मंदिर में लगी गणेश प्रतिमा को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर की गई थी भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा। लाउड स्पीकर से मंत्रोच्चारण के साथ की गई थी प्राण प्रतिष्ठा। ग्रामीण कर रहे थे मंदिर में पूजा अर्चना। मंदिर में ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस ने प्रतिमा को हटाया। घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में बना भारी रोष। हिंदू संगठनों ने भी जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री से कही शिकायत करने की बात। जनपद के बालैनी थाना क्षेत्र रोशनगढ़ गाँव का मामला। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रपाल है जी। क्या हुआ यहाँ मंदिर में? मंदिर में यमराज जी पूजा की गणेश पूजा हो गई थी जी, और उसके बाद में पुलिस वाले आए जी, मतलब उन्होंने मूर्ति उठवा दी जी आगे जी। मूर्ति जो है वो स्थापित हो गई थी पूजा के बाद? पूजा वूजा हो गया, मतलब संकल्प छोड़ देते जी, संकल्प छोड़ देते जी। तो फिर पुलिस ने क्या किया आगे? ये कही जी परमिशन है तुम्हारा, हमारे पास परमिशन तो नहीं जी। फिर उन्होंने जी ये उठवा दी, उठाओ इसे, यहाँ कोई नहीं होगा। टेंट लग रहा था जी, हाँ मतलब हो रहा था जी। हाँ जी, क्या नाम है, क्या बात हुई, क्या मामला बताओ? हाँ, नाम राजेंद्र, ग्राम रोशनगढ़, थाना बलैनी। आज जो है हम जो है गणेश जी की जो है मूर्ति स्थापित कर रहे थे, थाना बलैनी इंस्पेक्टर साहब आए और उन्होंने ये मूर्ति जो उठवा दी और ये कहने लगे कि पहले परमिशन ले आओ, इसके बाद स्थापित हो गया। कहाँ स्थापित करी थी मूर्ति? मंदिर में। अच्छा, क्या अनुष्ठान हुआ तब? क्या मूर्ति स्थापित हो चुकी थी, क्या था? होगी थी, पूजा पाठ वगैरह शुरू? पूजा पाठ हो गया था, बोले तो उसके बाद उठाई। उसके बाद उठवाई। यहाँ नहीं होने देंगे। अब क्या चाह रहे हो अब आगे? कुछ भी ना, बस एसडीएम साहब के दोहर जाएंगे, परमिशन दे के एक रहे कि निकल मिलेंगे जाके।